आग सूरज में होती है, जलना जमीन को पड़ता है। आग सूरज में होती है, जलना जमीन को पड़ता है, और मेहनत दिमाग और शरीर करता है, तड़पना दिल और दिमाग को पड़ता है। तो आइए दोस्तों, आरके माही मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर जो है 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लेकर आएंगे। और पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए ही सिर्फ क्लास कराया जा रहा है, जो खासकर मैथ के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, लिखा हुआ है चार, क्वेश्चन नंबर 4 में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के जीवा, कोई जीवा जो केंद्र पर समकोण बनाती है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम एक फिगर बना लेते हैं, और इस फिगर में ये जो है आपका केंद्र है, और ये केंद्र से क्या है, एक जीवा जो है कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक ना। तो केंद्र से 90 डिग्री का कोण बना रहा है, उसका जो त्रिज्या जो है आपका 10 सेंटीमीटर है, कितना है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या। इसको हम लोग वो मान लेते हैं, इसको ए और इसको क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमको ज्ञात करना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, जिसमें पाई का मान हमको रखना है 3.14 रखना है। तो आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। सबसे पहले हम लोग ये यहाँ पर लिख दिया जाए, दिया है, लिखा जाए क्या, दिया है थीटा बराबर आपका 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज बना रहा है, और आर बराबर आपका 10 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक ना। तो हमको ज्ञात करना है एक नंबर में संगत संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले ये वृत्त खंड जो है आपका, इसको बोला जाता है, इस क्षेत्र को, तो ध्यान दीजिएगा, ये सबसे पहले ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ले आपका त्रिज्या खंड है। अगर त्रिज्या खंड में से हम एक समकोण त्रिभुज घटा ले तो क्या ये मेरा भाग निकल जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखा जाए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 और क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर समकोण त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 आधार गुने क्या हो जाएगा, ऊंचाई होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग देखते हैं, आधार और ऊंचाई दोनों मेरा 10 ही सेंटीमीटर है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ऊपर में आधार बराबर लिख सकते हैं, आधार बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बराबर भी हम लोग लिख सकते हैं कितना, 10 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर थीटा का मान आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, 90/360 हो जाएगा। पाई का मान आपको 3.14 रखना है, या त्रिज्या कितना इसका दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आर का स्क्वायर है तो 10 × 10 हो जाएगा, वहाँ पर 1/2 आधार आपका कितना है, 10 है, और ऊंचाई भी आपका क्या है, 10 है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया, 9 × 36 4 मतलब कट गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर 100 से जब हम लोग गुना करेंगे, 10 × 2 = 100, और वो 100 से हम लोग 3.14 में गुना करेंगे तो मेरा सिर्फ 314 ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद मेरा 2 अंक है, और दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 0 भी है, 100 में 2 0 भी होता है, तो वो दशमलव से वो क्या हो जाता है, कट जाता है। जैसे मैं यहाँ पर हम बता रहे हैं रॉक में 3.14 को हम लोग क्या करेंगे, लिख सकते हैं इसको दशमलव हटाकर, बटा में 100 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 100 है, तो 100 से 100 खत्म हो गया, तो कितना बच गया, 314 बच गया। तो वही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1/4 लिख देते हैं, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 300 क्या हो जाएगा, 14 हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों देखते हैं 2 × 5 क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, तो यहाँ पर 10 × 5 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 × 2 = 4 और इसको हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 और 2 × 7 = 14 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरा आया 157 बटा क्या आया, 2 आया, और यहाँ पर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक ना। अब इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हम 2 से डिवाइड करते हैं, क्या करेंगे, 2 से डिवाइड मतलब भागा करते हैं। तो यहाँ पर मेरा आता है 2 × 7 = 14, 7 मरतबे हुआ, और यहाँ पर 7 बच रहा है, तो 17 हो गया, 2 × 8 =
16 और 2 पच्चे 10, तो यहाँ पर दोस्तों हम कटाने के बाद मेरा आया 78.5 आ रहा है, और माइनस क्या हो जाता है 50। तो इसमें से दोस्तों हम लोग 50 जब घटा लेंगे तो कितना मेरा बचेगा, 28.5 बचेगा, है ना। तो 28.5 बचेगा, कितना बचेगा 28.5 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अभी भी आपका एक क्वेश्चन और बाकी है जो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इसको क्या करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए और तब तक हम दूसरे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। आइए दोस्तों उसको चलिए अब दूसरा प्रश्न इसी का प्रश्न है जो संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत क्या करना है, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो फिगर था वो मिस्टेक से मिटा दिए हम, तो यहाँ पर देखिए संगत दीर्घ त्रिज्या खंड आपका क्या हो जाता है, पूरे वृत्त में से हम लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटा लेंगे ना, तो मेरा दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 10 सेंटीमीटर था और यहाँ पर ए और यहाँ पर क्या था बी था, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस हो जाता है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल हो जाता है, जो अभी फिलहाल हमने एक नंबर पर जो था उसको हम लोग हल किए, ठीक ना। तो पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, घटाया तो कितना आया था 28.5 आया था, ठीक ना 28.5 आया था, तो 28.5 हम इसमें घटा लेंगे। इसका क्या है 1.14 है, 3.14 इसका पाई का मान है जो किताब में आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग घटा लेंगे 28.5। देखिए दोस्तों यहाँ पर जब हम 100 से गुना करेंगे तो वही बात होगा 314 होगा, माइनस क्या हो जाएगा 28.5 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं दोस्तों घटा लेते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों को जो देखा गया है दशमलव का घटाव में भी प्रॉब्लम होता है, इसीलिए यहाँ पर हम रफ में करके हम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, ये आपका बचेगा कितना 9, 9 में से 5 गया 9 में से 8 गया कितना बचेगा कोई बता सकता है, 9 में से नहीं 13 में से 8 गया 8 5 13, ठीक ना। और ये हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना आया 285.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये आपका क्या हो जाता है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप लोग और बाद में भी इसको उतार सकते हैं, फिर भी वीडियो पर बने रहे, क्वेश्चन नंबर हम 5 लेकर आ रहे हैं, आप लोग अंत तक देखिए। चले क्वेश्चन नंबर 5 जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के चाप के केंद्र जो 60 डिग्री का कोण बनाता है तो उसको आंतरिक करता है, तो ज्ञात करना है हमको चाप की लंबाई, और 2 नंबर में हमको चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और 3 नंबर में संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का मतलब छोटा वृत्त का, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों सबसे पहले हम लोग फिगर समझेंगे, क्या समझेंगे फिगर समझ लेंगे। तो ये आपका त्रिज्या हो गया, ये आपका क्या हो गया जीवा हो गया, ये आपका है जो भाग जो है लघु वृत्त खंड का है, चाहे वृत्त खंड भी इसको बोल सकते हैं, और इसके अलावा ये पूरा आपका दीर्घ त्रिज्या खंड हो जाता है, और ये अंदर का हो जाता है क्या हो जाता है त्रिज्या खंड। तो इसमें दिया हुआ है आपका थीटा का मान आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, इसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमको ज्ञात क्या करना है चाप की लंबाई, एक नंबर में आपका चाप की सबसे पहले यहाँ पर हम लोग दर्शा देते हैं थीटा बराबर 60 डिग्री और आर बराबर 21 सेंटीमीटर, उसके बाद में आपका जो है एक नंबर में क्या ज्ञात करना है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का दोस्तों सूत्र होता है थीटा बटा 360 और 2πr होता है, ठीक ना। तो थीटा के जगह पर हम 60 डिग्री रखेंगे, क्या रखेंगे 60 डिग्री, यहाँ पर 2 और पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, और r आपका कितना हो जाता है 21 हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 6 36 खत्म हो जाएगा, 2 3 6 खत्म हो जाएगा, 7 3 21 खत्म हो जाएगा, और ये 3 से 3 खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों आसान है, इतना है 22 सेंटीमीटर आपका चाप की लंबाई है, ठीक है ना। अब 2 नंबर में जो है 2 नंबर आपका क्या है प्रश्न, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का
क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, थीटा बटा 360 और पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो थीटा का मान हम लोग जान रहे हैं 60 डिग्री और 360 हो जाएगा, और पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7, आर तो दिया हुआ है 21×21 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखा जाए 1 0 1 0 खत्म, 6 1 34 कर जाएगा, 7 3 का क्या हो जाएगा 21, और यहाँ पर हो जाएगा 3 2 6 और 11 2 क्या हो जाएगा 22। तो मेरा क्या बच गया 11×21, ठीक ना। तो 11 में 11 11 2 22 22 × 1 क्या हो जाएगा 23। तो ये आपका हो गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया, ठीक ना। अब हमको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात क्या करना है, संगत जीवा द्वारा वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। संगत जीवा द्वारा वृत्त खंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर जगह नहीं है, फिर हम इसको क्या करते हैं मिटाकर, और फिर हम क्वेश्चन नंबर इसी का 3 बनाएंगे। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा, संगत जीवा द्वारा बनाए बनाए गए वृत्त खंड का, बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, ठीक है। संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो जाइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले ये क्या है, त्रिज्या खंड में से हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो मेरा वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए त्रिज्या खंड का सूत्र होता है थीटा बटा 360। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिज्या खंड का जो है पहले हम लोग मान ज्ञात कर लिया, मान कितना आया था 331 आया हुआ था, ठीक ना। अब माइनस हो गया, समबाहु त्रिभुज का हो गया √3/4, और गुणे क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर हो जाएगा। तो 231 √3/4 गुणे भुजा कितना है आपका, 21×21 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर 231, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 441 √3/4। शायद आपको इतना ही आंसर दिया हुआ होगा आपके पुस्तक में, देख लेते हैं इसमें दिया हुआ है कि ना, नहीं दिया हुआ है इसमें √3 का मान, तो √3 का मान दिया हुआ है आपका, ध्यान दीजिए ना, इसमें √3 का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है।